जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो प्लान कर रहे हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का, दे कैन टेक इट। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस रेफरल कोड निमिषा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। करना क्या होगा, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाना होगा, गोल अपना सिलेक्ट करना होगा, बैंक एग्जाम्स, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, 12 या 24 में से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। मेरे बेसिकली दो बैचेस चलते हैं अनअकैडमी में, आप लोग को बता देती हूँ। एक सुबह 9 बजे मेरा परफेक्शन बैच चलता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एक मेरा 3 बजे फाउंडेशन बैच चलता है। तो ये दोनों के दोनों बैचेस हमारे अनअकैडमी पे चलते हैं। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है, वो अपने जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वैल्यू योर टाइम। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप अपने टाइम को वैल्यू करते हैं तो यू कैन अचीव ऑल योर गोल्स। आप अपने सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं। दिस इज द, कह सकते हैं, फी स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको रेफरल कोड अप्लाई करना होता है निमिषा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। कास्ट काउंट, कास्ट का काउंट देखते हैं क्या किस बारे में लिखा हुआ है। अ कास्ट वाइज सर्वे, अगर हम एक सर्वे करें कास्ट वाइज, इससे क्या होगा, हमारी मदद होगी कि हम क्वांटिफाइबल डेटा को कलेक्ट कर पाएंगे। ऐसा डेटा जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उस डेटा को हम कलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन जो हमारा एम है वो क्या होना चाहिए, कास्टलेस सोसाइटी। हालांकि हमारा एम जो है कास्टलेस सोसाइटी होना चाहिए, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई कास्ट ना हो, लेकिन फिर भी हमें कास्ट वाइज डेटा लेना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज देखो, क्या मैं कह सकती हूँ हेल्प से एक वर्ब है। आप यहाँ पे देख रहे हो वर्ब के आगे वी1 डायरेक्टली आता है, आ रहा है। हेल्प टू सम डू समथिंग नहीं आ रहा, हेल्प समथिंग आ रहा है, हेल्प समथिंग। ये गैदर एक वर्ब है, तो क्या मैं कह सकती हूँ ये जो वर्ब है ये इन्फिनेटिव है। ये जो वर्ब है किसकी तरह यूज हुई है, ये इन्फिनेटिव की तरह यूज हुई है। हेल्प प्लस, अगर हेल्प के आगे टू ना आए, हेल्प के आगे डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, या हेल्प के आगे ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम नाम से जानते हैं बेयर इन्फिनिटिव। किस नाम से जानते हैं उसको स्टूडेंट्स, उसको हम नाम से जानते हैं बेयर इन्फिनिटिव। तो ये हमारा बेयर इन्फिनिटिव है। चलो आगे पढ़िए, रीड। जैसे आप लोग रीड कर लेंगे, कमेंट करेंगे, डन। हाँ जी, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ जिससे कि आपको दिख जाए। डन एवरी वन, आई एम सो सॉरी। पढ़ लिया सभी ने, चलिए क्या लिखा हुआ है, मुझे उस साइड आना चाहिए, राइट, आई नीड टू गो दैट साइड। ओके, हाँ हाँ जी हाँ जी, मैंने हटा दी चेयर। ठीक है, चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द आइडिया ऑफ अ कास्ट सेंसस, एक जो कास्ट सेंसस का जो आइडिया था, अब क्लियर है? नाउ इज इट क्लियर, यस और नो एवरी वन? द आइडिया ऑफ अ कास्ट सेंसस की कास्ट वाइज कैलकुलेशन होनी चाहिए, कास्ट वाइज पॉपुलेशन निकालनी चाहिए, ये वापस आ गया है, इज बैक। द आइडिया ऑफ अ कास्ट सेंसस इज बैक इन द रियल्म ऑफ पब्लिक डिबेट। पब्लिक डिबेट के पूरे स्कोप में, पूरे एरिया में, कास्ट वाइज जो सेंसस का है आइडिया है कि कास्ट वाइज पॉपुलेशन निकालनी चाहिए, वापस आ गया है। फॉलोइंग द तमिलनाडु गवर्नमेंट्स डिसीजन, तमिलनाडु की गवर्नमेंट का डिसीजन आया कि वो एक कमीशन को स्टैब्लिश करेंगे, जिससे वो कास्ट वाइज डेटा को कलेक्ट करेंगे। ये जो कदम है, ये हो सकता है मे हैव बीन बॉर्न आउट ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। इस कदम को क्यों किया गया है कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की वजह से, एक्सपीडियंसी का मतलब कन्वीनियंसी की वजह से, पॉलिटिकल कन्वीनियंस हो जाएगा लोगों को अगर पता होगा कि कौन सी कास्ट किस एरिया में ज्यादा है।
इन रिस्पॉन्स टू द रेस्टिव प्री इलेक्शन एजिटेशन, क्योंकि बहुत इलेक्शन से पहले लोग एंजाइटी के अंदर आ गए, बहुत इरिटेट हो गए, रेस्टिव, बहुत ज़्यादा शांत नहीं रह पाए। जो ऑर्गेनाइज किया था पटली मक्कल कड़ची ने, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने क्या बोला था कि इनको 20% अलग से रिजर्वेशन चाहिए एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में फॉर द 1 ईयर कम्युनिटी, इस कम्युनिटी के लिए जो उनका मेन इलेक्टोरल बेस है। तो कहने से पूरा का पूरा ही रिजर्वेशन के लिए ही हो रहा है। लोग कास्ट क्यों बोलते हैं कि हमारी ये कास्ट है, ये कास्ट वाइज डेटा हमें चाहिए, क्यों गवर्नमेंट ने डिमांड किया कि कास्ट वाइज पॉपुलेशन सेंसस होना चाहिए, कास्ट वाइज डेटा पता होना चाहिए कौन सी स्टेट में कितनी कौन सी कास्ट का कितना नंबर है, क्यों? क्योंकि इलेक्शन से पहले बहुत सारे एजिटेशंस होते हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं जो रिजर्वेशन मांगती हैं। तो ऐसी ही ये एक कम्युनिटी है जिसने 20% रिजर्वेशन मांगा, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मीन्स केवल उनका खुद का रिजर्वेशन, उन्होंने मांगा कि हमें 20% रिजर्वेशन दे दो इस कम्युनिटी के लिए जो उसका मेन इलेक्टोरल बेस था, जो उस पार्टी का मेन इलेक्टोरल बेस, सबसे ज़्यादा वोट्स यहीं से आते थे। हाउएवर, लेकिन इट इज़ इक्वली ट्रू, ये बात बिल्कुल सही है कि सोशल और लीगल नेसेसिटी भी है, ज़रूरत भी है हमें कि हम कास्ट वाइज डेटा को भी इकट्ठा करें। कंपाइलिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इकट्ठा करना। हमारे लिए कास्ट वाइज डेटा को इकट्ठा करना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स को बोल रहा है कि आप क्वांटिफाइबल डेटा इकट्ठा करो, आप एग्जैक्ट डेटा, काउंटेबल डेटा इकट्ठा करो, जिससे कि हम उनके रिजर्वेशन के लेवल्स को जस्टिफाई कर सके कि उनको कितना रिजर्वेशन हमें देना चाहिए। और ये तमिलनाडु को भी हेल्प करेगा कि उसका जो 69% टोटल रिजर्वेशन है उसको भी वो बचा सके। एट द सेम टाइम सम कास्ट, कुछ कास्ट जिनके पास या तो इलेक्टोरल इम्पोर्टेंस है, मतलब वो बहुत ज़्यादा वोट देते हैं, वोट्स उनके नंबर्स ऑफ वोट्स ज़्यादा होते हैं, या फिर वो बहुत ह्यूज नंबर्स में हैं अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में हैव बीन रेस्टिव, वो इस बात को लेके बहुत अशांत हैं। रेस्टिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अशांत है। किस चीज़ को लेके बहुत अशांत है? कि किस तरीके से, अबाउट द मैनर, मैनर का मीनिंग है तरीका, किस तरीके से अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स, जो एक्शन प्रोग्राम्स हैं, जो काम किया जा रहा है उनके भले के लिए, क्लासेस के बेसिस पे, कम्युनिटीज के बेसिस पे अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ है, हैव बीन इम्प्लीमेंटेड सो फार। तो इस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा रेस्टिव है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, जैसे आप लोग रीड कर लेंगे मुझे बताएंगे, इस आर्टिकल को कंप्लीट करने के बाद हम ग्रामर करेंगे। रीड इट एवरीवन। आज के आर्टिकल की थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है, बट आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों को समझ में आ जाएगी। जैसे ही पढ़ लेंगे कमेंट करेंगे, डन। डन। चलिए क्या लिखा हुआ है? बी इट द गुज्जर्स, चाहे वो गुज्जर्स हों, चाहे वो जाट्स हों, चाहे वो पट्टीदार्स हों, चाहे वो वनियार्स हों, कुछ सेक्शंस जो हैं हमारी सोसाइटी के, कुछ कास्ट जो हैं, वो क्या बोलते हैं? वो अपने एडवांसमेंट के प्रोस्पेक्ट्स, वो बोलते हैं हम एडवांस इसलिए नहीं हो पा रहे, हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि हमें रिजर्वेशन नहीं मिलता है। अगर आप हमें रिजर्वेशन दोगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। मतलब लोग कास्ट को रिजर्वेशन से लिंक कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारे आगे ना बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, वो रीज़न क्या है? कि हमें रिजर्वेशन नहीं मिलता है, हमें रिजर्वेशन दो और हम आगे बढ़ जाएंगे। तमिलनाडु में सेक्शंस ऑफ द 1 ईयर इन सोसाइटी, इन कास्ट के कुछ लोगों ने, जिनका वायलेंट, वायलेंट का मतलब है इन्होंने उपद्रव मचाया था, इन्होंने 1987 टू 1988 में एजिटेशन किया था, बहुत ज़्यादा वायलेंट एजिटेशन इन्होंने किया था, बहुत ज़्यादा लड़ाई दंगा इन्होंने किया था। इसकी वजह से क्या हुआ था? मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी बनी थी,
इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी बनी थी और इन लोगों को 20% रिजर्वेशन मिला था। और अभी भी ये डिससैटिस्फाइड है, और अपेरेंटली, अपेरेंटली का मीनिंग ऐसा दिखता है कि ये डिससैटिस्फाइड है कि क्यों इनको क्लब किया गया 100 अदर कास्ट के साथ। मतलब इतनी सारी बैकवर्ड क्लास कास्ट को मिलके क्यों 20% रिजर्वेशन दिया गया। अब ये लोग क्या मांग कर रहे हैं, ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमें एक्सक्लूसिव 20% रिजर्वेशन दो। 20% रिजर्वेशन एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है, सिर्फ हमारी कास्ट का ही 20% होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सारी कास्ट को एक साथ मिला दो और फिर 20% दो उनको, नहीं, सिर्फ हमारी कास्ट को 20% दो। इट इज अ सोबरिंग रिफ्लेक्शन, ये बहुत दुखद रिफ्लेक्शन है, बहुत दुखद बात है कि कैसे रिजर्वेशन ऑपरेट करता है, ऑन हाउ रिजर्वेशन ऑपरेट्स, दैट सम कास्ट फील क्राउडेड आउट इन द कॉम्पिटिशन, कि कुछ कास्ट को ऐसा लगता है कि इतने सारी कास्ट के साथ उनको मिला के रिजर्वेशन दिया गया है तो वो कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा भीड़ समझती है, वो बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत छोटा समझने लग जाती है एंड एस्पायर, और फिर वो चाहती है, उनके अंदर चाहत किस बात की होती है कि हमें एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन मिले। अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करती है, वो मांगती है एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन, कि सिर्फ हमारी कास्ट को ही 20% का रिजर्वेशन मिले। अच्छा आप लोग मुझे पहले एक बात बताइए, आप लोगों के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वॉट डू यू थिंक, शुड रिजर्वेशन बी देयर और नॉट? एवरी वन विल टेल मी। क्लब विद का मतलब होता है इकट्ठा कर देना, जोड़ देना, मिला देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रपोज्ड कमीशन, जो कमीशन आया है, जो कैलकुलेशन करेगा, जो डेटा निकालेगा सारी की सारी कंट्रीज, सारी की सारी कास्ट का, मे नॉट कंडक्ट, हो सकता है वो एक इलाबोरेट एम्यूनरेशन ना करे, वो बहुत ज्यादा इलाबोरेट कैलकुलेशंस ना करे उन लाइंस पे जो सेंटर का डेसिनियल सेंसस होता है, हर 10 ईयर्स में जो कैलकुलेशन होती है उसके बेसिस पे वो इतनी ज्यादा कैलकुलेशन ना करे। इट्स मैंडेट, उसका जो मैंडेट है, उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज है उसके लिए, वो क्या है कि वो मेथड को चेक करेगा। वो क्या करेगा, वो मेथड को चेक करेगा जिससे कि कास्ट वाइज पर्टिकुलर्स कलेक्ट हो सके। कास्ट वाइज डेटा कलेक्ट करने के लिए जो मेथड होगा उस मेथड को चेक किया जाएगा, एक सर्वे होगा उसके बेसिस पे और एक रिपोर्ट सबमिट करेगा। इट विल बी क्वाइट अ चैलेंज, एक चैलेंज होगा कि हम एक साउंड असेसमेंट, एक लॉजिकल असेसमेंट पे आ सके कि कास्ट कितनी सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड है, कितनी पीछे है वो कास्ट, उसका असेसमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। चलो बहुत सारे बच्चों का कह रहे हैं होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। हाँ ये बहुत कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट का इशू है कि होना चाहिए या नहीं होना। जी हाँ, एक पॉइंट आप लोगों का बिल्कुल सही है कि फिनेंशियल कंडीशन के बेसिस पे होना चाहिए, और जो कि होता भी है, इनको बोलते हैं EWS कैटेगरी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो कैटेगरीज होती हैं, EWS बोलते हैं उनको, कि जो लोग जिनकी इनकम शायद साल के 1 लाख रुपीज से कम होती है या 1.5 लाख रुपीज से कम होती है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हाँ दैट इज फैक्ट, वो बिल्कुल सही है, EWS कैटेगरी में जो लोग आते हैं हाँ उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, डेफिनेटली मिलना चाहिए। अब ये जो कास्ट के बेसिस पे जो रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं ऐसा इश्यू है जिसमें सभी लोगों के अपने अलग अलग ओपिनियंस हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला था, जब रिजर्वेशन आया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता था कि रिजर्वेशन होना चाहिए लेकिन तब तक रहेगा ये रिजर्वेशन जब तक सारी कास्ट इक्वल इक्वल स्टेटस पे ना आ जाए। रिजर्वेशन एक परमानेंट प्रोसेस नहीं था, एक परमानेंट चीज नहीं थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था कि जब तक सारी कास्ट इक्वल नहीं हो जाएगी तब तक रिजर्वेशन होगा, और फ्यूचर में इस रिजर्वेशन को हटाया भी जा सकता है। तो दैट डिपेंड्स, वो डिपेंड करता है, एक अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मेरा ओपिनियन पूछो तो एक हमें, बिल्कुल सही बात है, एक हमें कैलकुलेशन करनी चाहिए, एक डेटा निकालना चाहिए कि कितनी कास्ट जो है वो बैकवर्ड एक्चुअल में है। अगर कोई कास्ट ऐसी है जो बैकवर्ड एक्चुअल में है तो उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम तक मिलना चाहिए जब तक वो बाकी कास्ट के इक्वल ना आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ।
जैसे आप लोग पढ़ लेंगे कमेंट करेंगे, डन। चलो क्या लिखा हुआ है, द सेंसस ऑफ इंडिया, इंडिया का जो सेंसस है उसने कास्ट वाइज डेटा कलेक्ट ही नहीं किया है 1931 से। द सेंसस ऑफ इंडिया हैज नॉट कलेक्टेड कास्ट वाइज डेटा सिंस 1931 विद द एक्सेप्शन ऑफ डिटेल्स अबाउट एससीज एंड एसटीज। हाँ, एससी और एसटी कास्ट का उसने डेटा कलेक्ट किया है, लेकिन बाकी का डेटा उसने 1931 से ही कलेक्ट नहीं किया है। सेंटर ने एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया था, एक कैलकुलेशन करी थी 2011 में। किस चीज के लिए उन्होंने किया था? कि हमारा जो कास्ट का डेटा है उसको हम कलेक्ट कनेक्ट कर सके सोशियो इकोनॉमिक डेटा से, मतलब हम ये चीज पता लगा पाए, एक ओवरऑल असेसमेंट कर पाए कि कौन सी कास्ट कितनी पीछे है, कौन सी कास्ट के पास कितना लेवल ऑफ डेप्रीवेशन है। डेप्रीवेशन का मीनिंग क्या होता है? डेप्रीवेशन का मीनिंग है कितनी कमियां हैं, कितनी चीज़ें नहीं हैं और कितनी वो कास्ट पीछे है। हाउएवर, लेकिन शायद, प्रेजुमेबली वर्ड का मीनिंग क्या है? शायद, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा कलेक्टेड, जो डेटा कलेक्ट हुआ वो रिलायबल नहीं था, वो विश्वसनीय नहीं था, उस विश्वसनीयता की कमी की वजह से या फिर उसके पॉलिटिकल और इलेक्टोरल सेंसिटिविटी की वजह से, पॉलिटिकल और इलेक्टोरल, इलेक्टोरल वर्क का मीनिंग इलेक्शन से रिलेटेड कंसर्न की वजह से जो कास्ट पोर्शन था उस डेटा का वो आज तक किसी के सामने ही नहीं आया। जो उस डेटा का कास्ट पोर्शन था वो आज तक किसी के सामने ही नहीं आया। स्टेट गवर्नमेंट जो है इस डेटा को मांग सकती है, तमिलनाडु के केस में अपने एक्सरसाइज के पार्ट में, कि ये जो सेंसस आपने, ये जो कलेक्शन किया था 2011 में, इस डेटा को हमें दे दो। लेकिन क्या ये 2011 का डेटा हमें कोई हेल्प करेगा? आज हम 2020 में हैं, ऑथर ने तो बोल दिया कि आप इस डेटा को ले लो और हेल्प कर लो अपनी, लेकिन आज हम 2020 में हैं। क्या 9 साल पहले क्या सिचुएशन थी, कौन सी कास्ट कितने बैकवर्ड थी, वो डेटा हमें आज के टाइम पे हेल्प नहीं कर सकता? 9 years have already passed and 9 years is a huge amount of time। आगे, however, लेकिन it should not treat this, उसको treat नहीं करना चाहिए as a politically expedient move, एक politically convenient move की तरह, इसको एक political politicize नहीं करना चाहिए to quell, quell का meaning क्या होता है? Remove कर देना किसी को, quell word का meaning क्या होता है? किसी चीज को खत्म कर देना। तो हमें एक electoral setback को, कि कोई पार्टी हारने वाली है, उस हार को हटाने के लिए, मतलब उस पार्टी को जिताने के लिए हमें सिर्फ ये नहीं करना चाहिए कि एक पार्टी या कम्युनिटी एजिटेट कर रही है और हमने उस चीज को कर दिया। मतलब ऑथर ने क्या बोला इस लाइन में? ऑथर ने इस लाइन में बोला स्टूडेंट्स कि ऐसे तो अब एक कम्युनिटी बोल रही है हमें 20% दो, हमें 20% रिजर्वेशन दो, 1 year क्या बोल रहे हैं हमें 20% रिजर्वेशन दो। अगर हम इनकी बात मान गए सिर्फ इसलिए कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक पार्टी स्ट्रांग हो जाएगी, तो ऐसे तो बार बार सारी कम्युनिटीज आने लग जाएंगी और वो प्रोटेस्ट करने लग जाएंगी। उनको लगेगा प्रोटेस्ट हम करेंगे तो हमारी बात मान ली जाएगी और हमें भी रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो इट इज रॉन्ग, ये चीज बहुत गलत है, इस चीज को हमें नहीं होने देना चाहिए। हमें इसको ऐसा एक पॉलिटिकल पॉलिटिसाइज नहीं कर देना चाहिए। अगर हमने इसको पॉलिटिसाइज कर दिया तो चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। रादर हमें करना क्या चाहिए? ऑथर ने क्या बोला हमें क्या करना चाहिए? हमें रेशनलाइज करना चाहिए, हमें लॉजिक यूज करना चाहिए, हमें सोशल जस्टिस पॉलिसी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहिए, हमें सच में असेसमेंट करना चाहिए कि कौन सी कास्ट कितनी पीछे है। आफ्टर ऑल, अगर मैं ओवरऑल बोलूं, जो प्रोग्रेस है टुवर्ड्स अ कास्टलेस एंड इक्वल सोसाइटी, कि हमारी एक सोसाइटी ऐसी हो जिसमें कोई कास्ट ना हो, सब इक्वल हो, ये ought to का मीनिंग क्या होता है? शुड रिमेन। स्टेट का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? कास्टलेस एंड इक्वल सोसाइटी शुड बी द अल्टीमेट गोल ऑफ द स्टेट। क्या आर्टिकल समझ में आया सभी को? असेसमेंट का मीनिंग होता है पूरा का पूरा किसी चीज को चेक करना, कैलकुलेट करना, पूरा का पूरा एनालाइज करना।
आर्टिकल क्लियर है सभी को? चलिए अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल डू ग्रामर पार्ट। रेडी फॉर ग्रामर पार्ट एवरीवन? सभी लोग तैयार है ग्रामर के लिए? चलो मैं कुछ वर्ड्स मार्क कर रही हूँ, आप लोग मुझे उनका पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे। सबसे पहले आई एम मार्किंग सर्टेन वर्ड्स, यू विल टेल मी द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ देम। हाँ जी बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच। बैकवर्डनेस, एनी डबल एस लग रहा है, क्या है? नाउन है, ग्रेट। प्रेज्यूमेबली एडवर्ब है। एक्सरसाइज एक नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है एडजेक्टिव है। मूव एक नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है एडजेक्टिव है। शुड एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। गोल एक नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है एडजेक्टिव। स्कोर्स एवरीवन आउट ऑफ सिक्स, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी स्टूडेंट्स के आउट ऑफ सिक्स एवरीवन? चलो अब मैं कुछ वर्ब्स मार्क करूंगी, आप लोग मुझे बताएंगे उस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है। क्लियर? मैं कुछ वर्ब्स मार्क करूंगी, आप लोग मुझे बताएंगे उस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ठीक है? हाँ जी मैंने आपको पांच वर्ब्स मार्क करके दिए, आप मुझे उन पांचों वर्ब्स का सब्जेक्ट बताएंगे। एवरीवन, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ऑफ दीज वर्ब्स? रीड इट एंड टेल मी। लिंकिंग, कौन लिंक कर रहे हैं? सम सेक्शंस। तो लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो गया? लिंकिंग का सब्जेक्ट हो गया सम सेक्शंस। आर, कौन डिससैटिस्फाइड है? सेक्शंस ऑफ द वन यार्ड्स। तो आर का सब्जेक्ट कौन है? आर का सब्जेक्ट है सेक्शंस ऑफ द वन यार्ड्स। एस्पायर, कौन एस्पायर करती है? कुछ कास्ट्स। तो एस्पायर वर्ड का सब्जेक्ट कौन है? सम कास्ट्स। कंडक्ट, किसने कंडक्ट किया? कमीशन कंडक्ट ना कर पाए, तो कंडक्ट वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? द प्रपोज्ड कमीशन। कंडक्ट अ सर्वे, कंडक्ट अ सर्वे, उसका जो मैंडेट है वो क्या है? कि वो एग्जामिन करेगा। इट्स मैंडेट इज टू कंडक्ट अ सर्वे, और वो कंडक्ट करेगा। कौन करेगा सर्वे को कंडक्ट? इट्स मैंडेट। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो गया? इस वर्ब का सब्जेक्ट है इट्स मैंडेट। स्कोर्स एवरी वन आउट ऑफ फाइव, क्या क्या स्कोर्स रहे सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन की एक्सरसाइज में? एवरी वन, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं वो क्या आपके पे, नहीं सबसे पहले हम दूसरे आर्टिकल पे आएंगे, आर्टिकल नंबर टू। अब हम क्या करेंगे, स्किमिंग करेंगे। तैयार हैं सभी लोग स्किमिंग के लिए? Everyone ready for the skimming part? Choppy tidings. Choppy का मीनिंग क्या होता है? वेव्स वाली। टाइडिंग्स वर्ड का मीनिंग क्या? उथल पुथल, जो ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं, उसके बारे में बात हो रही है। गवर्नमेंट को ज्यादा करना चाहिए उन सेक्टर्स के लिए जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है नेक्स्ट बजट से पहले। अगर मैं आपसे पूछूं इस लाइन को पढ़ के आपको आर्टिकल की टोन क्या लग रही है,
इस लाइन को पढ़ के आपको आर्टिकल की टोन क्या समझ में आ रही है? द गवर्नमेंट मस्ट डू मोर फॉर सेक्टर्स, गवर्नमेंट को ज्यादा चीजें करनी चाहिए उन सेक्टर्स के लिए जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है नेक्स्ट बजट से पहले। कह रहे हैं टोन क्या लग रही है? सजेस्टिव लग रही है। चलो स्किमिंग करनी है, अब रीडिंग नहीं करनी, स्किमिंग करनी है। इस पूरे को पढ़ के एक लाइन में मुझे बताओ, एक या दो लाइन में आपको क्या मीनिंग समझ में आया, किस बारे में बात हो रही है? इस पूरे को पढ़ के एक या दो लाइन में मुझे समझाओ कि किस बारे में बात हो रही है। बस ये बताना है किस बारे में बात हो रही है, ये नहीं बताना क्या बात हो रही है, बस इतना सा बताना है कि किस बारे में बात हो रही है। हाँ, इसकी टोन कैसी है इस पैराग्राफ की? टोन इज ऑप्टिमिस्टिक। अगर मैं बात करूँ इसकी टोन क्या है, टोन इज ऑप्टिमिस्टिक, टोन इज पॉजिटिव। टोन कैसी है? पॉजिटिव। ऑथर ने क्या बोला? सब बढ़ रहे हैं, जीएसटी बढ़ गया, टैक्स कलेक्शन हेल्दी है, एनकरेजिंग साइन है, जीएसटी रेवेन्यूज बढ़ गए, ऊपर चले गए जीएसटी रेवेन्यूज ज्यादा। क्यों? क्योंकि अनलॉक हो गया, रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गए। मतलब पूरे में ऑथर ने क्या बोला कि जीएसटी बढ़ गया। अगर मैं इस पूरे पैराग्राफ को एक लाइन में बोलूं, क्या मीनिंग समझ में आया? कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया, रेवेन्यू कलेक्शन जो था जीएसटी से वो बढ़ गया। स्किमिंग समझ में आ रही है? कैसे कर रहे हैं हम स्किमिंग? पूरे पैराग्राफ को एक या दो लाइन में आप कैसे समराइज कर सकते हो? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ स्किमिंग कीजिए और बताइए क्या बात हो रही है। जैसी हो जाएगा कमेंट करेंगे, डन। क्या लिखा हुआ है? इम्प्रूवमेंट हुआ, फेस्टिव डिमांड थी, वही फेस्टिवल आया इसलिए इम्प्रूवमेंट हुआ, और अब बिट ऑफ बोथ या दोनों। बिट ऑफ बोथ का मतलब क्या है? दोनों। दोनों का मतलब क्या है? या तो फेस्टिव डिमांड बढ़ गई इस वजह से, या फिर एक्टिविटी इंप्रूव हो गई इस वजह से, या थोड़ा थोड़ा दोनों की वजह से जीएसटी बढ़ गया। अदर इंडिकेटर्स जो थे वो भी ऊपर चले गए, दिवाली भी आ गई, इसकी वजह से भी जीएसटी बढ़ गया। ऑथर ने यहां तक तो तारीफ करी, लेकिन अब यहाँ पे ऑथर की टोन स्लाइटली नेगेटिव हो गई। इस पैसेज में ऑथर की टोन क्या हो गई? स्लाइटली नेगेटिव हो गई। स्लाइटली नेगेटिव क्यों हो गई ऑथर की टोन? ऑथर ने बोला ये जो बड़ा है अब क्या ये चलता रहेगा, ये जो बड़ा है क्या ये चलता रहेगा? जब फेस्टिवल का जो एक्साइटमेंट था वो खत्म हो जाएगा नवंबर में, जब दिवाली खत्म हो गई, अब दिसंबर में जब फेस्टिवल्स ही नहीं होंगे तो क्या ये चलता रहेगा? फिर ऑथर ने एक नेगेटिव बात और बोली। ऑथर ने एक नेगेटिव बात और क्या बोली? ऑथर ने एक नेगेटिव बात बोली कि साइंस तो मिल गए भाई, जिस स्पीड से चीजें बढ़ रही थी अब वो नॉर्मल हो गई है। ऑथर ने एक नेगेटिव बात और क्या बोली? कि जिस स्पीड से जो फर्वर था, जो एक्साइटमेंट था, जितनी स्पीड थी इकोनॉमिक एक्टिविटी की वो कम होनी शुरू हो गई है, मॉडरेट होनी शुरू हो गई है। मतलब पहले तो ऐसे बढ़ रही थी, अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, और हो सकता है फिर नीचे जाके गिर भी जाए। तो ऑथर की टोन यहाँ पे क्या हो गई? ऑथर की टोन यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव हो गई। एग्जुबरेंस का मीनिंग होता है एक्साइटमेंट, चीयरफुलनेस। चलो अगला पैराग्राफ स्किम कीजिए।
अब ऑथर की टोन इस वाले पैराग्राफ में फिर से नेगेटिव होने वाली है। ऑथर की टोन यहाँ पे फिर से नेगेटिव होने वाली है। बिल्स कम हो गए, जीएसटी कलेक्शन कम हो गया, नवंबर में, अक्टूबर में इतना था, नवंबर में कम हो गया। ग्रोथ कम हो गई, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, क्योंकि बिजनेसेस अभी वेरी है, केयरफुल है। पैंडेमिक की लिंगरिंग, लिंगरिंग का मीनिंग क्या, मंडराती हुई, जो चलती हुई अनसर्टेनिटीज, हम पता ही नहीं चल रहा आगे क्या होगा, इसकी वजह से बिजनेस कम हो रहे हैं, बिजनेस कॉशियस हो गए हैं। इंडिया में इन्फेक्शंस तो कम हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इन्फेक्शंस बढ़े हैं, तो ऐसा लगता है कि फिर से रोक लग जाएगी मुंबई से। कहने से यहाँ पे ऑथर की, अगर मैं टोन की बात करूँ, पहले ऑथर बहुत पॉजिटिव थे, उसके बाद ऑथर स्लाइटली नेगेटिव हुए थे अगले पैराग्राफ में, और इस वाले पैराग्राफ में ऑथर कंप्लीटली नेगेटिव हो चुके हैं। ऑथर ने पूरे में क्या बोला, सब में गिरावट आई है, ऑर्डर्स कम हुए हैं, जीएसटी कम हुआ है, इन्फेक्शन बढ़ गया है, ट्रैवल पे रोक लग सकती है, मुंबई से रोक लग सकती है। इसका मतलब यहाँ पे टोन कैसी है, यहाँ पे टोन और नेगेटिव हो, नहीं सरकास्टिक नहीं है टोन, टोन इज नॉट सरकास्टिक। सरकास्टिक का मतलब होता है ताना मारना किसी को, ऑथर ने किसी को ताना नहीं मारा, ऑथर ने एक्चुअल चीज बताई है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, इसकी भी आप लोग मुझे टोन जरूर बताएंगे, इस पैराग्राफ की टोन क्या है। ऑथर ने लास्ट में सजेशन दे दिया भाई, लास्ट में ऑथर ने क्या कर दिया, सजेशन भी दे दिया, तो टोन इज सजेस्टिव ऑल्सो, और ऑथर ने स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन भी दिया, टोन इज इन्फॉर्मेटिव ऑल्सो। क्या बोला, सिर्फ इन्हीं स्टेट्स में डबल डिजिट ग्रोथ हुई, जबकि बाकी में तो कम हो गई। दिल्ली में इन्फ्लोस कम हो गए, महाराष्ट्र में 6% कम हो गए, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बड़ी थी वो अब कभी भी कम हो सकती है, फ्रिजाइल है, टूट सकती है, मतलब कभी भी जो बड़ा था वो नीचे रह सकता है। रिकवरी अभी भी अनइवन है, क्योंकि वायरस कहीं फैला है कहीं नहीं फैला है, गवर्नमेंट कंजर्वेटिव रही है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया है, जबकि उसकी जो फिस्कल मैच थी कि 2020 से 2021 की, उसने पूरी कैलकुलेशन करी थी, वो भी बिल्कुल अलग जा रही है। ज़्यादा मेजर्स ज़रूरी होंगे उन सेक्टर्स में जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लोगों को ज़्यादा मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में, फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल, टूरिज्म, रिटेल जो बिल्कुल खत्म हो चुका है, उसमें गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए। इससे ये होगा कि और ज़्यादा जॉब नहीं जाएगा लोगों का, और ये जॉब लॉसेस की जो कमी है, जो जॉब लॉसेस होते जा रहे हैं, वो डिमांड में नीचे में रिजल्ट नहीं करेंगे, मतलब अगर जॉब चली गई लोगों की। आगे बढ़ते हैं, टाइमिंग इट राइट। टाइमिंग इट राइट का मीनिंग क्या है, उसको सही समय पे लाना, किसी चीज को सही समय पे लाना, इसका मतलब क्या हो गया, टाइमिंग इट राइट। पुट अप विद का मीनिंग होता है बच्चे टॉलरेट करना, पुट अप, एक बच्चे का क्वेश्चन है, बता देती हूँ जगदीश चौधरी का, पुट अप विद इज अ फ्रेजल वर्ब, ये हमारी एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मीनिंग होता है टॉलरेट करना, टू टॉलरेट समथिंग, किसी चीज को सहन करना, ठीक है। इट इज रीजनेबल, ये बात बिल्कुल रीजनेबल है, ये बात बिल्कुल लॉजिकल है, ये बात बिल्कुल सही है, टू प्लान फॉर स्कूल एग्जाम्स, कि हम स्कूल एग्जाम्स को समर में ही प्लान करें, विंटर्स में हम स्कूल्स ना खोलें, विंटर्स में हम कोई एग्जाम एग्जाम ना लें, बिल्कुल रीजनेबल है कि हम स्कूल एग्जाम्स को समर्स में ही प्लान करें। अगर COVID-19 की जो प्रोग्रेस है वो होल्ड कर जाती है, वो रुक जाती है, तो हम स्कूल एग्जाम्स को समर में प्लान कर सकते हैं, अभी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और फिर जब समर्स आएंगी तो हम स्कूल एग्जाम्स को समर में प्लान कर सकते हैं। चलो रीड इट।
जैसे ही रीड कर लेंगे कमेंट करेंगे, डन। विगर का मीनिंग होता है एनर्जी। डन, चलो क्या लिखा हुआ है। बॉयड बाय वैक्सीन ऑप्टिमिज्म, हम खुश क्यों हैं? हमारी एनर्जी ऊपर क्यों है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन आने वाली है और कोरोना खत्म हो जाएगा। ऑप्टिमिज्म है वैक्सीन को लेके, हम पॉजिटिव है वैक्सीन को लेके। इस चीज़ से पॉजिटिव होके एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं, जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो काम कर रहे हैं फुल एनर्जी के साथ। वर्किंग विद विगर का मीनिंग क्या है? एनर्जी। वो फुल एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं कि वो ख़त्म कर दें प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग का मीनिंग क्या है? बहुत लंबा, जो बहुत लंबे समय से डिसरप्शन हो रखा था, जो रुक रखा था स्कूलिंग, स्कूल्स जो बंद थे इतने लंबे समय से, उसको बंद ख़त्म कर दें। एंड कंडक्ट, और कंडक्ट करवाएं ट्रेडिशनल जो हमेशा से होते आए हैं पेन एंड पेपर पब्लिक एग्जामिनेशंस 2021 में। स्कूल्स क्या चाहते हैं कि वो पेन एंड पेपर एग्जामिनेशंस 2021 में समर में शुरू करवाएं। द CBSE, जिसके अंदर 20,000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं अंडर इट्स एम्बिट, एम्बिट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? उसके स्कोप के अंदर। CBSE के स्कोप के अंदर 20,000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं सेकेंडरी लेवल पे, हैज़ वेट इन, उसने भी अपने आप को इस बात के फेवर में रखा है कि रिटन मोड टेस्ट होने चाहिए। ऑनलाइन टेस्ट नहीं होना चाहिए बच्चों का। बच्चों का कौन सा टेस्ट होना चाहिए? रिटन टेस्ट होना चाहिए। ऑब्वियसली इस बात को वो देख रहा है, किस बात पर डिपेंडेंट है कि हमारी प्रोग्रेस क्या होती है इस पेंडेमिक के साथ डील करने। अगर हमारी प्रोग्रेस हो गई, हमने इस पेंडेमिक के साथ अच्छे से डील कर लिया, तो हम रिटन टेस्ट करवाएंगे सारे बच्चों का 2021 में। ऐसा सिस्टम, एक सिस्टम जिसमें 1.2 मिलियन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर किया है, जिसमें स्कूल्स वो भी हैं जो एक्सपैट्रिएट्स के लिए हैं। एक्सपैट्रिएट्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो अपनी कंट्री को छोड़ के चले गए थे, दूसरी कंट्री में चले गए थे, या दूसरी कंट्री के लोग जो हमारी कंट्री में आ गए हैं। एक्सपैट्रिएट इज वर्ड, फॉर एग्जांपल दिस इज कंट्री ए, ये कंट्री बी है। अगर ए कंट्री को कोई छोड़ के चला जाए और बी में रहने लग जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्सपैट्रिएट। तो वो स्कूल्स जिनमें एक्सपैट्रिएट्स भी रह रहे हैं, उन स्कूल्स को भी हम कवर कर रहे हैं जो एक्सपैट्रिएट्स के लिए हैं। बोर्ड इज अ बेल वेदर फॉर अकेडमिक शेड्यूल्स। बोर्ड जो है अकेडमिक शेड्यूल की होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उसके लिए क्या है? उसके लिए बेल वेदर है। बेल वेदर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मतलब वो इंडिकेट कर रहा है, बोर्ड बताएगा, वो लीड करेगा, वो बताएगा कि अकेडमिक शेड्यूल्स क्या होने चाहिए। इट विल इंडिकेट। बेल वेदर का मीनिंग क्या होता है? इंडिकेटर। क्वाइट फॉर्चुअसली, ये बात बहुत किस्मत वाली है, बहुत अच्छी बात है ये, कि जो बोर्ड है वो 2020 एग्जामिनेशन का शेड्यूल जो मिड फरवरी में स्टार्ट हुआ था वो कर चुका था। मतलब ये बात इतनी अच्छी है कि लॉकडाउन मार्च में शुरू हुआ और 2020 के बोर्ड के एग्जाम्स तो पहले हो गए थे, तो 2020 के बोर्ड के एग्जाम्स डीरेल नहीं हुए थे, वो पटरी से नहीं उतरे थे, मतलब वो डिस्टरप्ट नहीं हुए थे जो लॉकडाउन मार्च में हुआ। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आई होप नहीं है। चलो अगला पैराग्राफ पढ़िए। ग्रामर एक साथ करेंगे तनिषा।
रैप अप का मीनिंग क्या होता है? कंप्लीट करवा देना किसी चीज को. फॉर्चुअसली मीन्स किस्मत से. डीरेल मीन्स डिस्ट्रप्ट हो जाना, खराब हो जाना, पटरी पे से उतर जाना, मतलब सही डायरेक्शन में ना होना. डन. चलिए आगे क्या लिखा हुआ है. स्टेट बोर्ड्स जो है अभी भी उन्होंने अपना माइंड मेकअप नहीं किया है. सीबीएसई ने तो कोशिश की है कि हम 2021 में एग्जाम्स कर दें, लेकिन स्टेट बोर्ड्स ने अभी तक अपना माइंड मेकअप नहीं किया है कि एनुअल एग्जामिनेशंस का क्या शेड्यूल होगा और अगले साल का एकेडमिक सेशन कैसा होगा. जो इतनी बुरी तरीके से अफेक्टेड थे महाराष्ट्र और गुजरात, वो क्या सोच रहे हैं कि हम फाइनल एग्जामिनेशंस को भी पोस्टपोन कर देंगे. अगर हम पूरा कंसर्न को सोचें कि कितनी ज़्यादा एकेडमिक एक्टिविटीज खत्म हो गई, इसको सोचते हुए, रिफ्लेक्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इसको सोचते हुए जो काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है, मतलब जो आईसीएसई बोर्ड है, उसने स्टेट्स को रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने स्कूल्स को अलाउ करो कि वो क्लास 10th और क्लास 12th की क्लासेस जो हैं, 10th और 12th की जो क्लासेस हैं, वो लिमिटेड वे में, बहुत ज़्यादा ओपनली नहीं, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस के साथ जनवरी के शुरुआत में शुरू कर दें, अदरवाइज 10th और 12th वाले बच्चों को बहुत दिक्कत होगी. दीज डिलेमास. डिलेमास का मीनिंग क्या होता है? कन्फ्यूजन. जब आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपको करना क्या है, आप कन्फ्यूजन की स्टेट में होते हो, आप दुविधा में होते हो, राइट. ये जो डिलेमास हैं वो दिखाते हैं कि पूरी दुनिया में ही ये डिलेमास है. ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही ये प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया में है. समझ ही नहीं आ रहा लोगों को कि स्कूल खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, और एक सेफ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है स्कूलिंग के ऊपर, स्कूल्स बंद है सब जगह के. इन एडिशन साथ की साथ एक कॉन्फ्लिक्ट ये भी है, देयर इज ऑल्सो द लाइकली कॉन्फ्लिक्ट. लाइकली मीन्स समथिंग दैट कैन हैपन, कोई ऐसी चीज जो हो सकती है. तो एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक लड़ाई है किस चीज के बीच में, कि समर इलेक्शंस होंगे क्या बड़ी बड़ी स्टेट्स में, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड केरला, एंड द एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर 2021. मतलब इलेक्शंस और एग्जामिनेशंस के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट है कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है करवाना, इलेक्शंस या फिर एग्जामिनेशंस. अच्छा आगे बढ़िए. Everyone, जैसे ही पढ़ लेंगे कमेंट करेंगे. डन. चल क्या लिखा हुआ है. द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग जो बात है कि किसके फेवर में कि रिटन एग्जामिनेशन होना चाहिए, पेन और पेपर वाला एग्जामिनेशन होना चाहिए, वो ये है कि वो एसिमेट्रिकल एक्सेस को खत्म कर देता है. एसिमेट्रिकल एक्सेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कुछ लोगों के पास इंटरनेट है, कुछ लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन है, कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, कुछ लोगों के पास लैपटॉप है, कुछ लोगों के पास लैपटॉप नहीं है. जो एसिमेट्रिकल एक्सेस, सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या है? सबको इक्वल चीज मिली हुई है. एसिमेट्रिकल का मीनिंग क्या है? कि कुछ को मिला हुआ है, कुछ को नहीं मिला हुआ. तो एसिमेट्रिकल एक्सेस में क्या क्या है? टेक्नोलॉजी डेफिसिट्स हैं, कुछ लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, कुछ लोगों के पास नहीं है. और ये जो अगर पेन एंड पेपर हम करवाते हैं, तो ये सारे बच्चों को, ऑल पीपल्स का मीनिंग क्या है? सारे बच्चों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है मार्क्स लेके आने की. अगर हमने इंटरनेट वाला पेपर करवाया, नेट बेस्ड पेपर करवाया, तो कुछ बच्चों के पास पॉसिबिलिटी होगी अच्छे मार्क्स लाने की, कुछ बच्चों के पास नहीं होगी. जिस बच्चे का इंटरनेट स्लो होगा उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे. ये तो आप लोगों ने भी फील किया है जब कोई भी मैं टेस्ट करवाती हूँ आप लोगों को. जिन बच्चों का इंटरनेट अच्छा होता है वो बच्चे आगे रहते हैं, जिन बच्चों का इंटरनेट खराब होता है वो बच्चे थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं. तो पेन एंड पेपर बेस्ड को इसलिए सपोर्ट किया गया है. स्टूडेंट्स आर रिलीव्ड. स्टूडेंट्स को इस बात का तो सुकून है. इन लाइन विद द एक्सपीरियंस इन कंट्रीज सच एज द यूके,
यूके वाली, जैसे यूके है ऐसे उनमें एक्सपीरियंस के टाइम पे, कि बच्चों को इस बात का तो सुकून है कि जो सिलेबस है उसको बहुत सिग्निफिकेंटली मीन्स बहुत ज्यादा पेयर डाउन कर दिया गया। पेयर डाउन का मतलब क्या होता है? ट्रिम कर देना किसी चीज को, किसी चीज को कट शॉर्ट कर देना। तो सिलेबस बहुत कम कर दिया बोर्ड्स ने, यूके का एग्जाम्पल फॉलो करते हुए, यूके का एग्जाम्पल फॉलो करते हुए सिलेबस बहुत ज्यादा कम हो चुका है। और एग्जामिनेशन शेड्यूल्स जो हैं उनको पुट ऑफ, पुट ऑफ का मीनिंग क्या होता है? पोस्टपोन करना। पुट ऑफ भी हमारी एक फ्रेजल वर्ब होती है, इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या होता है? पोस्टपोन करना। एग्जामिनेशंस को पोस्टपोन कर दिया गया है मार्च के भी आगे। एक अच्छी वैक्सीन अगर आ गई जिसमें टीचर्स भी कवर हो गए, स्टूडेंट्स भी कवर हो गए थ्रू अ स्टैगर्ड प्रोग्राम। स्टैगर्ड प्रोग्राम का मतलब क्या? क्लियरली तो नहीं पता किसको मिलेगी कैसे नहीं मिलेगी, हाँ बट स्टैगर्ड प्रोग्राम के थ्रू अगर सबको ये वैक्सीन मिल जाती है तो इससे क्या होगा? ये की होगी, किस चीज की होगी? ये क्या डिटरमाइन करेगी कि कमिंग ईयर का जो अगला साल है उसका एकेडमिक टाइम टेबल कैसा होगा, बोर्ड के एग्जाम्स कब होंगे। एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे रमेश पोखरियाल, उनका जो कदम था, उनका जो मूव था कि उन्होंने पब्लिक कंसर्न को सुना इन इश्यूज पे एक ऑनलाइन कंसल्टेशन से, ये एक पॉजिटिव स्टेप है टू बिल्ड कंसेंसस। कंसेंसस का मीनिंग क्या होता है? अग्रीमेंट। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने एक ऑनलाइन कंसल्टेशन किया जहाँ पे उन्होंने पब्लिक की बात सुनी, ये एक अच्छा स्टेप है। वो सबको की बात को समझते हुए ही कोई ना कोई स्टेप लेंगे। चलो अगला पैराग्राफ, रीड इट एवरीवन। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। द इंटरनेशनल व्यू, जो हमारा इंटरनेशनल व्यू है, जो यूएस के इन्फेक्शस डिसीज एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉसी ने दिया, उन्होंने क्या बोला? इंटरनेशनल व्यू क्या है? इंटरनेशनल व्यू है कि अगर हमें एक चॉइस दी जाए कि बार्स को ओपन रखना है या स्कूल्स को ओपन रखना है, अगर बार्स और स्कूल्स के बीच में चॉइस दी जाए तो हम लैटर को ओपन रखेंगे। लैटर क्या हो गया? जो पहला वाला होता है उसको बोलते हैं फॉर्मर, जो दूसरा वाला होता है उसको बोलते हैं लैटर। तो मतलब स्कूल्स को ओपन करेंगे क्योंकि स्कूल्स में कम रिस्क होती है लार्ज स्केल इन्फेक्शंस की। अगर स्कूल्स में बच्चों को दूर दूर बिठाएंगे और टीचर्स भी अगर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेगा तो हम इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। इंडिया अच्छी जगह पर है, अगर मैं अमेरिका और यूरोप से कंपेयर करें तो इंडिया का पोजीशन बेटर है। इंडिया वेंटिलेटेड क्लासरूम्स देता है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन कंट्रोलिंग वायरल स्प्रेड। हाँ, इंडिया में ये चीज आप लोगों ने भी देखी, स्कूल्स में बहुत सारी खिड़कियां होती हैं। अमेरिका वगैरह में स्कूल्स में विंडोज कम होती हैं क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर, सारे सारे स्कूल्स टेम्परेचर कंट्रोल्ड होते हैं क्योंकि बाहर का टेम्परेचर अनबेरेबल होता है, इट्स वेरी कोल्ड एट सम टाइम्स। तो इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन पे है इन बाकी कंट्रीज से क्योंकि यहाँ पे वेंटिलेटेड क्लासरूम्स होते हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस वायरल स्प्रेड को कंट्रोल करने में, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। क्लाइमेट की वजह से, इंडिया का क्लाइमेट अच्छा होता है तो इंडिया में विंडोज होती है, बाकी कंट्रीज में टेम्परेचर कंट्रोल्ड क्लाइमेट्स होते हैं। येट अ डेफिनेटिव व्यू ऑन द स्कूल शेड्यूल फॉर 2021, हाँ फिर भी मैं बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता कि 2021 में कौन से महीने में पेपर होंगे, ये मुझे भी नहीं पता, ये किसी को नहीं पता क्योंकि अभी तक हमें यही नहीं पता कि पेंडेमिक आगे क्या रास्ता लेगा। अगले कुछ महीनों में पेंडेमिक का रास्ता जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम कुछ भी नहीं बता सकते कि एग्जाम्स कब होंगे। पुअर अडियरेंस टू सेफ्टी नॉर्म्स, अगर अच्छे से हमने अडियरेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्टिक टू समथिंग,
अगर हमने सेफ्टी नॉर्म्स को अच्छे से फॉलो नहीं किया, एवरेज सिटीजन ने अगर सेफ्टी नॉर्म्स को अच्छे से फॉलो नहीं किया, तो इससे क्या होगा, खतरे में आ जाएगा स्कूल्स का खुलना आगे। अगर वैक्सीन भी आ गई फिर भी अगर हमने सेफ्टी नॉर्म्स को अच्छे से फॉलो नहीं किया तो सारी चीजें खतरे में आ जाएंगी। क्लियर, समझ में आया सभी को आर्टिकल? आर्टिकल क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? हाँ जी बताइए, पूरा आर्टिकल समझ में आया? चलो अब आ जाते हैं ग्रामर पे। लेट्स मूव टू द ग्रामर पार्ट नाउ। मैं कुछ वर्ड्स मार्क कर रही हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे उनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। नंबर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। हाँ जी बताइए। टोन इज इन्फॉर्मेटिव, ऑथर ने सब इन्फॉर्म किया है। वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, कैसे क्लासरूम्स? वेंटिलेटेड एडजेक्टिव है। आर्टिकल नाउन के बारे में बताता है, नाउन है। आर्टिकल नाउन के बारे में बताता है, नाउन है। बिकम्स क्लियर, क्लियर एक एडजेक्टिव होता है, नाउन के बारे में बताता है। द रीओपनिंग आर्टिकल नाउन के बारे में बताता है, नाउन है। वी वन प्लस आई एन जी भी है, इसको आप जेरंड भी बोल सकते हो। जब भी वी वन प्लस आई एन जी नाउन का रोल प्ले करता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? जेरेंट के नाम से जानते हैं। तो दिस इज अ जेरेंट ऑल्सो। क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के आउट ऑफ फाइव? वॉट आर योर स्कोर्स एवरी वन? चलो अब आ जाते हैं सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन एक्सरसाइज पे। मैं कुछ वर्ब्स मार्क कर रही हूँ, आप इनका मुझे सब्जेक्ट बताएंगे कि ये जो वर्ब है ये किसके लिए यूज हुई है। हाँ जी बताइए, कुछ वर्ब्स मैंने मार्क करी हैं, आप मुझे बताएंगे कि ये जो वर्ब्स हैं ये किस किस चीज के लिए यूज हुई है। एवरीवन, देखते हैं। गिव्स ऑल पीपल क्या देता है? इट। गिव्स का सब्जेक्ट कौन है? इट। पेयर डाउन किसको कम कर दिया गया? सिलेबस। पेयर का सब्जेक्ट कौन है? सिलेबस। विल ऑल्सो कवर। अवेलेबिलिटी इसका सब्जेक्ट कौन है? अवेलेबिलिटी। विल ऑल्सो कवर थ्रू अ स्टार्गर्ड प्रोग्राम। नहीं, कवर का सब्जेक्ट है गुड वैक्सीन। कवर का सब्जेक्ट है गुड वैक्सीन, इसका सब्जेक्ट है दी अवेलेबिलिटी, क्योंकि गुड वैक्सीन कवर करेगी टीचर्स और स्टूडेंट्स को, और ये जो अवेलेबिलिटी है ये की टू डिटरमाइनिंग है। तो इसका सब्जेक्ट है अवेलेबिलिटी, कवर का सब्जेक्ट है गुड वैक्सीन। इज अ पॉजिटिव स्टेप, इनका जो कदम था वो एक पॉजिटिव स्टेप है। तो एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल्स मूव, इसका सब्जेक्ट है ये। स्कोर्स एवरीवन आउट ऑफ फाइव, क्या क्या स्कोर रहा सभी का इस वाले एक्सरसाइज में? चलिए लेट्स मूव टू स्किमिंग नाउ। अब आ जाते हैं स्किमिंग पे। अब आपको क्या करना है, आपको रीड नहीं करना, आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, यू हैव टू स्किम इट, और मुझे एक लाइन में बताना है व्हाट इज द कंप्लीट मीनिंग। क्लियर है सभी लोग? एक या दो लाइन में तैयार है सभी लोग? एक या दो लाइन में आपको मुझे बताना है व्हाट इज द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ।
अ मोरल बूस्ट फॉर पुलिस पर्संस के लिए एक एनकरेजमेंट, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया इस महामारी के दौरान, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनको अवार्ड मिलना चाहिए उनकी एफर्ट्स के लिए, उनकी मेहनत के लिए उनको बूस्ट मिलना चाहिए। चलो इस पैराग्राफ को रीड करो, स्किम करो और मुझे एक लाइन में बताओ क्या मीनिंग है। स्किम दिस पैराग्राफ एंड टेल मी इन वन लाइन व्हाट इज द मीनिंग। एक लाइन में बताइए ये पैराग्राफ क्या कहना चाहता है। कहने से दिस पैराग्राफ इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स, द सफरिंग्स ऑफ द पुलिसमैन वाइल मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक एंड द लॉकडाउन। पुलिस ने जो जो प्रॉब्लम्स फेस करी, कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने लोगों को कोविड हो गया, मिस्टर सिंह का हाथ काट दिया गया, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स ऑथर ने दिखाई हैं कि पुलिस को कितना कुछ सफर करना पड़ा, कितना कुछ फेस करना पड़ा इस कोविड के दौरान, कोविड का इम्पैक्ट क्या पड़ा पुलिस के ऊपर। राइट, चलो वेरी गुड, अगला पैराग्राफ स्किम करो और बताओ। स्किमिंग सीख जाओ, स्किमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है सीखना, पेपर में यही मार्क्स दिलवाएगी, रीडिंग हेल्प नहीं करेगी पेपर में, इतना टाइम ही नहीं होता रीड करने का पेपर में, पेपर में स्किमिंग हेल्प करती है। सक्कम वर्ड का मीनिंग होता है घुटने टेक देना। कहने से ऑथर इज अगेन एम्फेसाइजिंग ऑन द सेम थिंग, ऑथर इज रिपीटिंग इट। ऑथर ने क्या बोला, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हेल्थ वर्कर्स को तो हुई हुई, पुलिस वालों को भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, उनका काम ही ऐसा है कि उनको पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करना पड़ा और उस पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करने में उनको कोविड हो गया, इतने सारे लोगों की डेथ हो गई, 1.5 लाख पुलिस और CAPF के पर्सनल्स को कोविड हो गया, इतने लोगों की जान चली गई, असम में इतने लोगों को कोविड हो गया। तो ऑथर ने पूरा का पूरा इन्फॉर्म किया है, ऑथर ने पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दी है कि इतना इतना ये डेटा है। तो ऑथर ने इस पूरे पैराग्राफ में हमें क्या बताया, डेटा बताया है कि कितने पुलिस पर्सनल को क्या क्या हुआ। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़िए। फिर ऑथर ने फिर से बताया कि टूरिस्ट आए तो और प्रॉब्लम हो गई, मिजोरम में इतने सारे लोग इंपैक्ट
इफेक्ट हो गए। और प्रॉब्लम क्या होती है, जब उनके साथियों को कोरोना हो जाता है तो बाकी लोग भी क्वारंटीन हो जाते हैं, तो और प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि स्टाफ कम हो जाता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ जाती है। तो मतलब नॉर्म्स को फॉलो करते समय पुलिस ने क्या क्या डिफिकल्टीज का सामना किया, वो सारी की सारी डिफिकल्टीज ऑथर ने हमें बताई है। चलो नेक्स्ट। डिप्लीशन मीन्स कम हो जाना। अगले पैराग्राफ में किसके बारे में बता रखा है? पुलिस वालों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, अपनी फैमिली के पास भी नहीं जा पाते, कहीं उनकी फैमिली इन्फेक्ट ना हो जाए। जिन लोगों की डेथ हुई उनको कितना कितना कंपनसेशन मिला, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 50-50 लाख रुपए दिए। जिनकी डेथ हो गई, जिनकी जान चली गई, स्टेट पुलिस ने 10 लाख रुपए दिए, 2 से 3 लाख रुपए इंश्योरेंस फंड ने दिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने अमित कुमार की फैमिली को 1 करोड़ रुपया दिया, 10 लाख और दिल्ली पुलिस वेलफेयर सोसाइटी फंड से पे हुए। तो मतलब पूरा का पूरा कंपेंसेशन की बात हुई है कि जिन पुलिस वालों की डेथ हुई इस चीज की वजह से उनको कितना कितना कंपेंसेशन मिला, ऑथर ने वो हमें बताया है। वेरी गुड। अब तो मुझे लग रहा है आप लोगों को स्किमिंग आ गई है, इतनी क्लासेस में रेगुलर आते आते सभी को स्किमिंग आ गई है। कितने बच्चे हैं यहाँ पे जो अब स्किमिंग कर पा रहे हैं? कितने स्टूडेंट्स हैं जो स्किमिंग कर पा रहे हैं? चलो वंडरफुल, ग्रेट। अगला पैराग्राफ। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस, बहुत खुशी हो रही है आज मुझे आप लोगों के कॉमेंट्स देख के कि फाइनली आप लोग स्किमिंग अप कर पा रहे हैं। यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्किमिंग होती है बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। चलिए अगला पैराग्राफ स्किम कीजिए। जितने बच्चों की फर्स्ट क्लास है, वेलकम टू द सेशन। पैरल्स मीन्स खतरा। आगे क्या लिखा हुआ है? बहुत सारे खतरे हैं पुलिस के लिए, इन पर्सनल के लिए। इनकी अपनी जान तो खतरे में है ही, इनके फ्रेंड्स के रिलेटिव्स की भी जान खतरे में आ जाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथर ने क्या बोला, क्या करना चाहिए? इनको एक मेडल देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने वायरस से लड़ने में लोगों की बहुत मदद करी है। अगर मेडल्स होंगे उनकी चेस्ट पे तो उनको उनका मोराल भी बूस्ट होगा, वो अपने आप को एनकरेज्ड फील करेंगे। और COVID-19 से लड़ना कोई आसान काम तो नहीं था। उनके बच्चों के लिए भी जॉब्स रिजर्व करनी चाहिए सेंटर और स्टेट्स को, कि गवर्नमेंट को इस समय प्रायोरिटी देनी चाहिए हेल्थ और मेडिकल कवर्स पे भी। उनको हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस भी देना चाहिए। तो ऑथर ने यहाँ पे टोन क्या रखी है अपनी, ऑथर ने यहाँ पे सजेशन दिया है। सो द टोन इज व्हाट? टोन इज सजेस्टिव हियर। इस पूरे पैराग्राफ को अगर मैं एक लाइन में बोलूँ, मैं क्या बोल सकती हूँ? पुलिस को रिकॉग्निशन देना चाहिए, पुलिस को मेडल्स देने चाहिए। अब जाते हैं ट्रस्ट डेफिसिट। डेफिसिट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डेफिसिट वर्ड का मीनिंग होता है कमी। ट्रस्ट की कमी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम द फ्रेश अमेंडमेंट्स, जो नए चेंजेस हुए उनके अलावा, अपार्ट फ्रॉम द फ्रेश अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है? चेंजेस। जो नए चेंजेस हुए उनके अलावा, द सेंटर, जो सेंटर है उसको कंसिडर करना चाहिए कि एक लीगल गारंटी सेंटर दे
किस चीज़ की? एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस की। मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फार्मर्स को मिलने चाहिए, इस बात की एक लीगल गारंटी सेंटर को कंसिडर करनी चाहिए। इसके ऊपर आज पूरा का पूरा आर्टिकल है। चलिए पहले आप लोग रीड करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन। रीड इट एवरीवन। चलो ऑल द बेस्ट बेटा, जिन बच्चों का एग्जाम है ऑल द बेस्ट। एक बार ये मेरी ईमेल आईडी लिख लो, मुझे ज़रूर बताइएगा आपका पेपर कैसा हुआ। इनफैक्ट अगर आप इसमें मुझे अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, आपका किस शिफ्ट में पेपर है, कब पेपर है वो भेजेंगे तो आई विल कॉल यू ऑल्सो। अपना मोबाइल नंबर, किस डेट को आपका पेपर है और किस शिफ्ट में आपका पेपर है मुझे ज़रूर भेजिएगा। और जितने बच्चों का भी आज एग्ज़ाम है ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द संयुक्त किसान मोर्चा अ फेडरेशन, जो कि एक ग्रुप है। फेडरेशन वर्ड का मीनिंग क्या है? ग्रुप। एक ग्रुप है जो अराउंड 500 फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस का, 500 फार्मर की ऑर्गेनाइजेशंस का जो ग्रुप है, इसने मान लिया है, हैज रिजॉल्व, इसने डिटरमाइन किया है, इसने ठान लिया है। रिजॉल्व वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ठान लेना। इसने ठान लिया है कि वो इंटेंसीफाई करेगा, वो बढ़ा देगा अपने एजिटेशन को, अपने गुस्से को, किसके खिलाफ? 3 फार्म लॉस के खिलाफ जो जल्दीबाजी में सेंटर ने इनैक्ट किए हैं। जल्दीबाजी में सेंटर ने 3 लॉज इनैक्ट किए हैं। ये जो फेडरेशन है फार्मर्स का, जो ग्रुप है फार्मर्स का, उसने ठान लिया है कि वो उस एजिटेशन को और ज़्यादा बढ़ा देगा। आफ्टर डिसमिसिंग द प्रोटेस्ट एज इल इन्फॉर्म्ड, सेंटर ने क्या बोला? सेंटर ने बोला हम इन प्रोटेस्ट को मान्य नहीं मानते, हम इन प्रोटेस्ट को नहीं मानते हैं क्योंकि ये इल इन्फॉर्म्ड है। इनको, इन फार्मर्स को कुछ पता नहीं है, इसीलिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड मोटिवेटेड इनिशियली, और इनको उकसाया गया है, सेंटर ने बोला कि हम कुछ चेंजेस करेंगे लॉज में। लेकिन फार्मर्स ने क्या बोला? सेंटर्स ने बोला कि हम कुछ लॉज में चेंजेस करेंगे, लेकिन फार्मर्स ने बोला है कि भारत बंद होना चाहिए December 8। फार्मर्स हैव नाउ कॉल्ड फॉर अ भारत बंद ऑन December 8। थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स, हजारों फार्मर्स जो कैंप कर रहे हैं कहाँ पे? आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स का मीनिंग क्या होता है? बॉर्डर्स पे, नेशनल कैपिटल के बॉर्डर्स पे जो कैंप कर रहे हैं आर स्केप्टिकल। स्केप्टिकल वर्ड का मीनिंग है डाउटफुल। वो डाउटफुल है कि जो गवर्नमेंट क्लेम है, गवर्नमेंट जो कह रही है कि ये जो लॉज हैं ये एग्रीकल्चर को और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना देंगे और सिक्योर बना देंगे बाय अलाउइंग मार्केट फोर्सेस टू प्ले। ये जो लॉज गवर्नमेंट लेके आई है ये फार्मर्स को हेल्प करेंगे, गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है और फार्मर्स इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ रीड कीजिए। जैसे ही रीड कर लेंगे कमेंट कीजिएगा। डन। जैसे आप लोगों का हो जाएगा कमेंट कीजिएगा। डन। आगे क्या लिखा हुआ है? द फियर, जो डर है कि ये जो नया रिजीम है, ये जो नया लॉ आ रहा है, ये जो न्यू लॉज आ रहे हैं, ये डिसमेंटल कर देंगे, मतलब हटा देंगे। किस चीज को हटा देंगे? जो प्रोक्योरमेंट होता था फार्मर्स का, जो सामान जो प्रोड्यूस होता था, जो गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंडर ले लेती थी, वो चीज़ हट जाएगी और बेचारे फार्मर्स अब किस पर रह जाएंगे? कॉरपोरेशंस की मर्सी पर रह जाएंगे, मतलब
कॉरपोरेशंस की दया का एक पात्र बन जाएंगे। बड़ी बड़े कॉरपोरेशन हाउसेस, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स फार्मर्स को मिसयूज करेंगे। ये जो डर है ये बिल्कुल सही है, रियल है। रिस्पॉन्डिंग टू कंसर्न्स, इन कंसर्न्स पे बात करते हुए सेंटर ने बोला कि कुछ मैकेनिज्म सजेस्ट किए जिससे कि लैंड एलिनेशन नहीं होगा, लैंड बहुत ज़्यादा बटेगी नहीं, जिसकी लैंड है उससे दूर नहीं जाएगी। एलिनेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेंजर बन जाना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होगी, जिसकी लैंड है वो उसके पास ही रहेगी। फिर सेंटर ने बोला कि हम स्टेट रन मंडी सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथन करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि प्राइवेट बायर्स जो हैं, जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं जो खरीदेंगे फार्मर्स का प्रोड्यूस, वो इक्वल फुटिंग हो, मतलब सबको इक्वल, हाँ मतलब उतना ही उनको अमाउंट मिले। इक्वलाइजिंग टैक्सेस, हम टैक्स बराबर कर देंगे सबके लिए, जिससे कि प्राइवेट बायर्स को जो एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है वो आराम से खरीद लें। अगर कोई भी दिक्कत होती है, ग्रिवियांस रिड्रेस, ग्रिवियांस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, अगर फार्मर्स को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको हम सॉल्व करेंगे सिविल कोर्ट्स में, ना कि केवल सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स के ऑफिस में वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, सिविल कोर्ट्स में वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और हम अच्छे से वेरीफाई भी करेंगे प्राइवेट ट्रेडर्स को। ये सारी की सारी बात गवर्नमेंट ने बोली, सेंटर ने बोली अपने अपनी तरफ कि आप टेंशन मत लो फार्मर्स, हम ये सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन फार्मर्स क्या बोल रहे हैं, फार्मर्स बोल रहे हैं कि बातें बनाने से कुछ नहीं होता, आप हमें लीगली लिख के दो इस बात को। फार्मर्स आर सेइंग कि आप हमें इस बात को लीगली लिख के दो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं जाएगा। फार्मर्स एक छोटी सी मांग ही तो कर रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। गवर्नमेंट कह रही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा, लेकिन फार्मर्स बोल रहे हैं कि हमें इस बात पे विश्वास नहीं है, हम इस बात को लेकर स्केप्टिकल हैं, आप लीगली लिख के दो, लीगल एक लॉ बनाओ जिसमें ये चीज़ मेंशन्ड हो। वाया मीन्स उसके थ्रू, वाया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मीनिंग क्या हो गया, उसके थ्रू। चलो आगे पढ़िए। एलिनेशन वर्ड का मीनिंग होता है अपनी ही जगह से हटा देना किसी को। आगे क्या लिखा हुआ है, इट हैज नॉट, हालांकि सेंटर ने कोई लीगल गारंटी नहीं दी कि एमएसपी होगा या नहीं होगा, ऐसी कोई लीगल गारंटी नहीं दी। फार्मर्स की यही लड़ाई है, फार्मर्स बोल रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की हमें लीगल गारंटी दो, लेकिन गवर्नमेंट नहीं दे रही है। एंड द क्वेश्चन ऑफ पावर सब्सिडीज, कि फार्मर्स को पावर सब्सिडीज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, वो भी अभी कंटेंशियस है। कंटेंशियस मीन्स अभी वो भी कॉन्फ्लिक्ट में है, अभी वो भी कॉन्ट्रोवर्शियल है कि फार्मर्स को सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और क्या लीगल गारंटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। द गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसने बोला, उसने एक पॉलिसी डिक्लेयर करी, क्या हैज अ डिक्लेयर्ड पॉलिसी, उन्होंने एक पॉलिसी, एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है किस चीज़ की, कि हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि फार्म प्राइसेस जो है कम से कम 50% ज़्यादा हो इनपुट कॉस्ट से। मतलब जितना फार्मर्स का खर्चा हो रहा है उस प्रोड्यूस को बनाने में, उससे 50% ज़्यादा कम से कम उन्हें उसका प्राइस मिले। दिस हैज रिमेन मोर एन इंटेंट देन रियालिटी, ये सच्चाई में लेकिन कभी कन्वर्ट नहीं हुआ, ये सिर्फ उनका इंटेंशन रहा कि ऐसा हो, लेकिन कभी ये चीज़ सच्चाई में कन्वर्ट नहीं हुई, और डिस्कशन को और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। मडल्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पजल कर देना। डिस्कशन को और भी ज़्यादा पजल कर दिया गया कि गवर्नमेंट ने इस बात को रिफ्यूज़ कर दिया। किस बात को रिफ्यूज़ कर दिया, कि हम रेंटल वैल्यू को इनपुट कॉस्ट में नहीं डालेंगे। अगर कोई फार्मर ज़मीन को रेंट पे लेके उस पे फार्मिंग करता है, तो उनकी जो, उनका जो रेंट जा रहा है उसको वो इस कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। एग्रीकल्चर को एनवायरमेंटली सस्टेनेबल रहना चाहिए। सस्टेनेबल का मीनिंग क्या है, कि वो चलता रहे, ऐसा ना हो कि
एक साल एग्रीकल्चर हो, दूसरे साल फार्मर परेशान आके एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करना बंद कर दे। नहीं, सस्टेनेबल हो, सस्टेनेबल मीन्स आगे की जनरेशंस के लिए भी हो एंड रेम्यूनरेटिव फॉर फार्मर्स। और फार्मर्स को भी कुछ पैसा भी मिलना चाहिए अगर वो इतनी मेहनत कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। अगर हम सभी को वो खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, अन्न बना रहे हैं, तो रेम्यूनरेटिव तो डेफिनेटली होना ही होना चाहिए, उनको भी कुछ अमाउंट मिलना चाहिए। इंटेंट मीन्स मकसद क्या है। चलो आगे पढ़िए। जैसे ही पढ़ लेंगे कमेंट करेंगे, डन। डन, चलिए। चलो क्या लिखा हुआ है। सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजेस, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैव इमर्ज सामने आए हैं इन बेंचमार्क्स को लेके। हालांकि इंडिया ने अच्छा खासा फूड स्टॉक बना लिया है, सब्सटैंशियल मीन्स अच्छे अमाउंट में। इंडिया ने अच्छे खासे अमाउंट में खाना प्रोड्यूस किया है। रोबस्ट, रोबस्ट का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रांग। स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है, हर जगह हमारा जो फूड स्टॉक है वो पहुंच जाता है, पूरी कंट्री में पहुंच जाता है। देयर इज अ स्ट्रांग केस, एक बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रांग केस है कि हम इंसेंटिव स्ट्रक्चर को फिर से चेंज करें। रीवर्किंग का मीनिंग क्या होता है, उसके ऊपर काम करें, इंसेंटिव स्ट्रक्चर को फिर से चेंज करें, क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करें, जिससे कि जो वाटर अवेलेबिलिटी में चेंजेस होते हैं, कि कभी बहुत बारिश हो जाती है, कभी बहुत सूखा पड़ जाता है, वो हम देख सकें। और लोगों की जो डायट्री रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से हम क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर सकें। जो प्रॉब्लम्स फार्मर्स फेस करते हैं वो पूरे इंडिया में सेम नहीं है। कहीं के फार्मर्स कुछ और प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, कहीं के फार्मर्स कुछ और प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो प्रॉब्लम्स तो पूरे फार्मर्स फेस करते हैं, लेकिन इंडिया में, पूरे इंडिया में अगर हम देखें तो फार्मर्स जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग अलग। मैंने थोड़ी सी कोशिश करी है इंडिया बनाने की, आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरी ड्रॉइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाँ, तो अलग अलग जगह के जो फार्मर्स हैं वो अलग अलग जगह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। बट अ सेंस ऑफ हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मीनिंग क्या होता है, दुश्मनी। लेकिन अगर स्टेट और मार्केट फार्मर्स को लेके अच्छे रिलेशंस नहीं रखेंगे, अगर स्टेट और मार्केट फार्मर्स को लेके एनिमी वाले रिलेशंस रखेंगे, दुश्मनी वाले रिलेशंस रखेंगे, एनमिटी, हॉस्टिलिटी का सिनोनिम क्या होता है, एनमिटी वाले रिलेशंस रखेंगे, तो वो चीज सब जगह हमें दिख रही है। हॉस्टिलिटी हमें सब जगह दिख रही। अच्छा, कहने से ऑथर ने यहाँ पे और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं फार्मर्स को। उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, जो टोन है लास्ट वाले सेंटेंस की, वो टोन क्या है, दैट टोन इज क्रिटिकल। क्रिटिकल क्यों है, ऑथर ने क्या बोला कि गवर्नमेंट और मार्केट फार्मर्स की दुश्मन बन गई है। लास्ट लाइन में ऑथर ने क्या बोला कि गवर्नमेंट और मार्केट जो है फार्मर्स की दुश्मन। हॉस्टिलिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, दुश्मनी, दुश्मन बन गई है। परवेसिव मीन सब जगह। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ, माई ड्रॉइंग इज वर्सेटाइल। वर्सेटाइल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एक ही चीज में आपको बहुत सारी चीजें दिख जाती है। डन, चलो क्या लिखा हुआ है। चेंजेस इन लैंड एक्विजिशन लॉस, जो चेंजेस आए
लैंड के एक्विजिशन लॉज में, लैंड एक्विजिशन लॉज का मतलब क्या है कि किस लॉ के अकॉर्डिंग फार्मर को लैंड मिल सकती है, एंड द जनरल थ्रस्ट, थ्रस्ट का मीनिंग क्या होता है, फोर्स, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके जो फोर्स है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जो हम बढ़ते जा रहे हैं, साथ के साथ एग्रीकल्चरल सब्सिडीज में जो प्रेशर है, मतलब फार्मर्स की सब्सिडीज जो कम होती जा रही है, इन सब ने क्या किया है, वल्नरेबिलिटी की फीलिंग, वीकनेस बढ़ा दी है फार्मर्स की, फार्मर्स को क्या कर दिया है, फार्मर्स को वीक कर दिया है इन रिसेंट ईयर्स, फार्मर्स को वीक कर दिया है। इतने तुरंत तुरंत, एब्रप्ट का मीनिंग क्या है, इतने एब्रप्ट, शॉर्ट, तुरंत चेंजेस आ गए सेक्टर में, जो ये तीन लॉज लेके आए, इन्होंने बढ़ा दिया है जो ट्रस्ट की कमी थी गवर्नमेंट के ऊपर, फार्मर्स को जो ट्रस्ट की कमी थी गवर्नमेंट के ऊपर, उसको इन तीनों लॉज ने बढ़ा दिया है। कहने से द टोन इज कंप्लीटली क्रिटिकल, जो टोन है वो पूरी तरीके से क्रिटिकल है। फार्मर्स अब गवर्नमेंट पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। द कॉम्बैटिव एटीट्यूड, कॉम्बैटिव का मतलब क्या है, लड़ाई करने वाला, ये जो लड़ाई करने वाला एटीट्यूड है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट जो लड़ाई कर रही है और जो भारतीय जनता पार्टी है जो लड़ाई कर रही है अपने क्रिटिसिज्म के खिलाफ, मतलब अगर गवर्नमेंट को कोई क्रिटिसाइज करता है गवर्नमेंट उसके खिलाफ हो जाती है, वो इस ट्रस्ट डेफिसिट को और खराब कर रहा है, मतलब सबका ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है। फूड सिक्योरिटी इज कंसिडर्ड अ कॉम्पोनेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी बाय ऑल कंट्रीज। अगर हम सारी कंट्रीज को देखें तो हर कंट्री में फूड सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, फार्मर्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एक नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट होते हैं सारी कंट्रीज में, क्योंकि फूड एक सबसे बेसिक नीड है सारे ह्यूमंस की, और इसीलिए फूड सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी भी माना जाता है। एग्रवेट मींस बढ़ा देना। चलो आगे, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने क्या बोला, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बोला कि गवर्नमेंट के पास कोई ईगो नहीं है, गवर्नमेंट सेल्फिश नहीं हो रही है, सेंटर को, अब ऑथर ने अपना सजेशन दिया कि सेंटर को कोशिश करनी चाहिए, स्ट्राइव फॉर का मतलब क्या होता है, कोशिश करनी चाहिए कि एक एग्रीमेंट तक पहुंच जाए फार्मर्स के साथ, फार्मर्स और सेंटर मिलकर एक एग्रीमेंट कर ले जिससे कि फार्मर्स की जो चिंताएं हैं उनको एक सल्यूशन मिल जाए। क्लियर, समझ में आया सभी को आर्टिकल, आर्टिकल क्लियर टू एवरीवन। चलिए लेट्स डू द ग्रामर पार्ट नाउ। अब हम करते हैं ग्रामर पार्ट। तैयार है ग्रामर पार्ट के लिए? मैं कुछ वर्ड्स मार्क करूंगी, आप मुझे बताएंगे वो कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। चलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके बताइए। अब्रप्ट क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के बारे में बता रहे हैं, चेंजेस नाउन है। आईटीवाई लग रहा है तो वल्नरेबिलिटी नाउन है। एग्रवेटेड एक्शन की बात कर रहे हैं, बढ़ा देने की बात कर रहे हैं, वर्ब है। एटीट्यूड आर्टिकल द, द आर्टिकल हमेशा नाउन के बारे में बताता है, एटीट्यूड नाउन है। वर्सेंड इट फर्दर, और आगे, वेयर फर्दर, जो शब्द वेयर का आंसर देता है वो एडवर्ब होता है, तो ये जो शब्द है ये एडवर्ब है। स्कोर्स एवरीवन आउट ऑफ 5, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के 5 में से। अगली एक्सरसाइज करते हैं, मैं कुछ वर्ब्स मार्क करूंगी, आप मुझे उनका पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे, राइट, सॉरी उन वर्ब्स का मुझे सब्जेक्ट बताएंगे कि उन वर्ब्स का सब्जेक्ट कौन है, किसके लिए वो वर्ब यूज हुई है।
चलिए इन्हीं तीन वर्ब्स का बताइए, और इसमें ऐसे कोई वर्ब है नहीं। सजेस्टेड किसने सजेस्ट किया? सेंटर ने। कौन डिसमेंटल करेगा नया रिजीम? अच्छा इसका भी बता दीजिएगा मुझे, इसका भी। लीव फार्मर्स, कौन फार्मर्स को छोड़ देगा नया रिजीम? ये भी सेकंड का भी सब्जेक्ट है, थर्ड का भी सब्जेक्ट है। इज रियल, क्या रियल है? फियर रियल है, ये फोर्थ का सब्जेक्ट है। स्कोर्स एवरीवन? हाँ बच्चे आज 9 बजे वाली क्लास होगी, परफेक्शन मैच डेफिनेटली होगा। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चले अब आते हैं स्किमिंग पार्ट। स्किमिंग बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है और मुझे एक लाइन में बताना है क्या मीनिंग समझ में आया। यू हैव टू रीड द एंटायर पैराग्राफ एंड यू नीड टू टेल मी इन वन लाइन अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दैट पैराग्राफ। जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं ऑल द बेस्ट। आर्टिकल टू, स्टार्ट टर्न रजनीकांत जी को और ज्यादा सिनेमैटिक, विल नीड मोर देन सिनेमैटिक कैरिज्मा। सिनेमैटिक कैरिज्मा, सिनेमैटिक, सिनेमा की पॉपुलैरिटी से ज्यादा उन्हें कुछ चाहिए अगर वो AIADMK को, DMK को चैलेंज करना चाहते हैं। मतलब ऑथर ने क्या बोला, उनका सिनेमा उनको काम नहीं देगा, उनका, उनकी सिनेमा की पॉपुलैरिटी उनको हेल्प नहीं करेगी, उनको उससे कुछ और ज्यादा चाहिए अगर वो इन दोनों पार्टीज को चैलेंज करना चाहते हैं। चलिए एक लाइन में बताइए इसमें किस बारे में बात हो रही है। रीड नहीं करना, क्या करना है? स्किम करना है। चलिए हाँ, हमने बात करी थी चिट्ठी की, डिसमेंटल चिट्ठी, एंड रजनीकांत जी खुद आ गए यहाँ पे आर्टिकल में। बताइए क्या मीनिंग हुआ इस पूरे पैराग्राफ से पढ़ के, क्या समझ में आया? इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के मुझे एक लाइन में बताइए क्या समझ में आया। कहने से रजनीकांत जी ने ट्वीट कर दिया कि उनकी नई पार्टी जनवरी में बन जाएगी। उन्होंने ट्वीट कर दिया कि वो नई पार्टी कब तक बना लेंगे, लॉन्च कब कर देंगे वो नई पार्टी को। वो नई पार्टी को लॉन्च कर देंगे जनवरी में। चलो उन्होंने कोई नहीं बताया क्या पॉलिसी होंगी, कुछ होगा, कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने इतना बता दिया कि उनकी जो पार्टी है वो जनवरी में लॉन्च हो जाएगी। चलो अगले पैराग्राफ को पढ़ो और मुझे एक लाइन में बताओ क्या मीनिंग समझ में आया। क्या समझ में आया? एक या दो लाइन में बताना है मैक्सिमम। उनकी पॉलिसी क्या है, उनका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म वर्ड का मीनिंग क्या होता है? हर रिलीजन को इक्वल नजरों से देखना, हर रिलीजन को इक्वल, इक्वालिटी देना। तो उनका क्या नया प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल पे उनकी पॉलिटिकल पार्टी वर्क करेगी, इट विल बी सेक्युलरिज्म। कभी वो बीजेपी के साथ थे, कभी वो बीजेपी के साथ नहीं थे, तो कुछ नहीं बता सकते, हमेशा से वो फेल होते हुए आए हैं। लेकिन अब उनकी जो नई पार्टी है, उन्होंने बताया कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सेक्युलर, हमारा जो मेन मुद्दा है वो क्या होगा? सेक्युलरिज्म होगा। चलो अगला पैराग्राफ।
आगे का लिखा हुआ है, इस वाले पैराग्राफ को स्किम करके बताइए। मेन पार्टीज कौन कौन सी है वहां पे? डीएमके, एआईएडीएमके। अगर रजनीकांत जी की पार्टी आ जाती है तो छोटी छोटी पार्टीज हो सकता है, एक ग्रुप बना ले। 10 से 15% वोट्स इन दोनों पार्टीज के अलावा मिलते हैं, तो हो सकता है कि इन सबको के मिलके वो पार्टी मतलब एक कोअलिशन बना ले छोटी छोटी पार्टीज के साथ मिलके। हाँ, मेन दो पार्टीज है, सबसे बड़ी पार्टीज दो हैं। कौन कौन सी दो सबसे बड़ी पार्टीज हैं? डीएमके और एआईएडीएमके। तो इनके साथ कंपटीशन होगा रजनीकांत जी का। नेक्स्ट पैराग्राफ। अगले पैराग्राफ को बताइए, एक लाइन में क्या समझ में आया? ऑथर ने बोला कि रजनीकांत जी की चाहे कोई अच्छी फिल्म हो चाहे कोई बुरी फिल्म हो, बुरी फिल्म भी पॉपुलर हो जाती है क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। खराब से खराब फिल्म भी पॉपुलर हो जाती है क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, लेकिन फैन फॉलोइंग का मतलब ये नहीं है कि वो तमिलनाडु में इलेक्शंस जीत जाएंगे। फैन फॉलोइंग का मतलब ये नहीं होता कि आप इलेक्शंस जीत जाओगे। आपकी फैन फॉलोइंग एक अलग चीज की वजह से थी, आपकी एक्टिंग की वजह से थी। अब फैन फॉलोइंग का मतलब ये नहीं कि आप इलेक्शन भी जीत जाओगे। हाँ, करिश्मा, ह्यूज करिश्मा, ह्यूज पॉपुलैरिटी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू विनिंग द इलेक्शंस इन तमिलनाडु। नो गारंटी ऑफ विनिंग, राइट? वेरी गुड। अगला, नेक्स्ट पैराग्राफ। अब देखो, इस वाले पैसेज की ना लैंग्वेज टफ है, बट फिर भी आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग स्किमिंग कर पा रहे हो। मेन जो पॉइंट है उस पैराग्राफ से समझ पा रहे हो, यही काम आएगा आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट में, पैरा जंबल में। स्किमिंग ही सबसे ज्यादा काम में आती है। गारंटर मींस जो जिम्मेदारी ले ले कि हाँ ये इंसान सही है, उसको बोलते हैं गारंटर। आगे क्या बोला कि रजनीकांत जी के लिए मुश्किल तो होगा, रजनीकांत जी के लिए मुश्किल तो होगा क्योंकि जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं ना वो बहुत बार जीत चुके हैं। लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल चुकी थी उनको 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में, लैंडस्लाइड का मिल गया, बहुत भारी मात्रा से वो जीत जाते थे। तो रजनीकांत जी के लिए मुश्किल तो है। नॉटविथस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है? हालांकि, हालांकि बहुत सारे चैलेंजेस फेस करेंगे रजनीकांत जी, और उनके लिए मुश्किल तो है जीतना, लेकिन उन्होंने जो मेथड यूज कर रहे हैं वो सारी चीजों को वो लेके आ रहे हैं, वेलफेयर को लेके आ रहे हैं, सोशल जस्टिस को लेके आ रहे हैं, इन सब चीजों पर टिक रहे हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस को सही तरीके से यूज कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो एक अच्छी फाइट दे दें इन एआईएडीएमके को और डीएमके को। तो ऑथर ने बोला, ऑथर ने यहाँ पे जो टोन है वो पॉजिटिव रखी है रजनीकांत जी को लेके कि हाँ हो सकता है वो एक टफ कॉम्पिटिशन दे दें इन बड़ी बड़ी पार्टीज को। स्टिफ फाइट का मीनिंग क्या होता है? टफ कॉम्पिटिशन। तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो एक बहुत टफ कॉम्पिटिशन दे। 2 बजे हम मिलेंगे, फ्री क्लास होती है, सभी बच्चों को डेफिनेटली आना ही आना है। अटेंड कैसे करोगे इस क्लास को? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाना, ओपन बटन को क्लिक करना, निमिषा बंसल सर्च करना, फॉलो बटन पे क्लिक करना, स्पेशल क्लासेस के अंदर आपको ये क्लास मिल जाएगी, और इस क्लास में डेफिनेटली आइएगा। अगली इम्पॉर्टेंट बात, जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो बैंकिंग की क्लास कर लेना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में अपना बहुत बहुत अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांग बनना चाहते हैं, परफेक्शन बैच को अटेंड करना चाहते हैं जो कि मस्ट है हर बच्चे के लिए, इट इज मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट परफेक्शन बैच, तो उन सभी बच्चों को सब्सक्रिप्शन लेना होगा। कोई डाउट है
क्लासेस को लेके, बैचेस को लेके, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेना, 9953592800 वाले नंबर पे। और ये सब्सक्रिप्शन की फ़ी है, बहुत बहुत इकोनॉमिकल है सब्सक्रिप्शन। अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन देखोगे तो 200 कुछ रुपए पर मंथ का आपको पड़ता है। मीन्स इट इज़ वेरी वेरी इकोनॉमिकल, बहुत सस्ता है सब्सक्रिप्शन। तो आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। रेफरल कोड आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, निमिषा, NIMISHA। इस रेफरल कोड को आप यूज़ करोगे तो आप 10% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। इस रेफरल कोड को लिख लो निमिषा, यहाँ पे ये कोड यूज़ करना पड़ेगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेना। सारे एग्जाम्स, अगले साल CET का पेपर आएगा, RBI ग्रेड बी आएगा, SBI PO तो आ ही रहा है, प्री आएगा, मेंस आएगा, डिस्क्रिप्टिव आएगा, सब सारे एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी आपको सिर्फ इतने से अमाउंट में करवाई जाएगी। सारी वीडियो क्लासेस, सारी लाइव क्लासेस, सारी PDF, सारी रिकॉर्डिंग, सारा कंटेंट, सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। क्लियर? इस रेफरल कोड को लिख लेना, कोई डाउट हो तो मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ लेना। तो अब हम एंड करते हैं आज का सेशन। 9 बजे मिलेंगे परफेक्शन बैच में। आई होप सभी बच्चे आने वाले हैं परफेक्शन बैच में। जो बच्चे परफेक्शन बैच में आना चाहते हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, मेक श्योर कि आप 9 बजे से पहले पहले ले लें। और अगर नहीं ले पाते 9 बजे से पहले पहले तो बाद में लेके इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलकर बोलेंगे, 1, 2, 3 एंड गो। इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज। आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश एंड आई विल डेफिनेटली गेट माई ड्रीम जॉब। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस, टाटा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना। बाय बाय एवरीवन।